हेलो गाइज, दिस इज योगेश एंड यू वेलकम दिस चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं ऐसे पांच पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताऊंगा जिसे आप अपने घर पे रह के और इजीली 2 से 3 घंटे निकाल के काम कर सकते हैं। और ये पार्ट टाइम जॉब अगर आप स्टार्ट करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी ईजी है और काफ़ी जेन्युइन जॉब है। इसमें कोई कुछ भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी, कोई सिक्योरिटी मनी नहीं देनी है। तो इस तरीके के मैंने एनालाइज करके पांच ऐसे पार्ट टाइम जॉब के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा जिसको स्टार्ट करके आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पार्ट टाइम में फर्स्ट जॉब जो मैं रखूंगा वो डेटा टाइपिंग एंड फॉर्मेटिंग की रखूंगा। डेटा टाइपिंग एंड फॉर्मेटिंग एक्चुअली बुक्स रिलेटेड ई बुक्स के डेटा होते हैं जिनको आप को टाइप करना होता है अपने होम से, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे। और ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली ऑनलाइन ही मिल जाते हैं, इनके लिए कहीं जाना नहीं होता। आपको वेबसाइट पे साइन अप करना है और वहाँ से आपको डेटा लेके उसको टाइप करके फिर दोबारा ऑनलाइन सबमिट करना होता है। और जो भी आपकी मनी बनती है पर पेज या पर स्लॉट, वो आपको बैंक में ट्रांसफ़र करती है कंपनी। तो इस तरीके की कई सारी कंपनीज मार्केट में हैं जो कि फेक कंपनीज़ भी हैं। तो फेक कंपनी में आपको नहीं फंसना है। जहां पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस या सिक्योरिटी फ़ीस की डिमांड है वहां पे आपको पैसे नहीं जमा कराने हैं। इस तरीके के कई सारे जेन्युइन कंपनीज़ हैं जो कि विदाउट इन्वेस्टमेंट काम कराती हैं और आपको पैसे देती हैं। तो उस तरीके की कंपनी को आप सर्च करना है और वहाँ ज्वाइन करके आपको मनी जनरेट करनी है एज ए पार्ट टाइम। इस तरीके के कंपनीज़ में लाइक Fiverr.com या इस तरीके के और भी कंपनीज़ हैं। तो इसके बारे में कंप्लीट दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं और उनकी पेमेंट का मेथड क्या है। तो उसके लिए अलग से एक वीडियो मैं बना दूंगा। और दूसरी जो जॉब मैं बताऊंगा आपको वो है ट्यूशन जॉब। ट्यूशन जी, ट्यूशन का नाम सुन के आपको काफ़ी चीपेस्ट जॉब लगी होगी या फिर आपको लगा होगा कि अब मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा। जी हाँ, आप पढ़ा सकते हैं। ट्यूशन का मेथड टोटली चेंज हो गया। अगर आप ऑफलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो वेस्ट है, आप अपने आसपास में ट्यूशन पढ़ा के पैसे जनरेट कर सकते हैं 2 से 3 घंटे निकाल के। अगर आपको किसी सब्जेक्ट पे स्पेसिफिक कमांड है, आपको अच्छी नॉलेज है, तो आप वहाँ पे ट्यूशन पढ़ा के बच्चों को वहाँ से पैसे कमा सकते हैं एज ए पार्ट टाइम में। अगर आप वहाँ पे नियर बाई ऑफलाइन नहीं पढ़ाना चाहते तो ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन में कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं और वहाँ पे स्टूडेंट से चार्ज करते हैं और उनको अच्छी वैल्यू देते हैं। तो आपको ऑनलाइन में क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू आपको इतनी देनी है कि जो भी आपको मनी पेड कर रहा है उसको मनी से ज़्यादा आपको वैल्यू देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देनी है। तो उस तरीके से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है ट्यूशन पढ़ा के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और थर्ड जॉब जो मैं रखूँगा वो है कॉन्टेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग। इसके बारे में आई थिंक आपने सुना होगा, ब्लॉगिंग के बारे में या कंटेंट राइटिंग के बारे में। कंटेंट राइटिंग जॉब ऐसी जॉब है जो कि ऑनलाइन आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। कंपनी से डेटा लेके उसको राइट करके फिर आपको सबमिट कराना होता है और उसकी जो पेमेंट बनती है आपको एज ए पार्ट टाइम आपके अकाउंट में मिल जाती है। उसके अलावा जो सेकेंड चीज़ मैंने बताया, ब्लॉगिंग एक ट्रेंडिंग जॉब है, ट्रेंडिंग काम है, जो कि कुछ ऐसे ब्लॉगर के एग्जाम्पल हैं जिन्होंने पार्ट टाइम में स्टार्ट किया और आज फुल टाइम में वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं और लाखों रुपये कमा रहे हैं। क्योंकि ब्लॉगिंग में अनलिमिटेड मनी है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं। कई सारे उसमें चांसेस मिल जाते हैं आपको, जैसे गूगल एडसेंस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग, इस तरीके से काफ़ी पैसे आप जनरेट कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, प्लस वर्डप्रेस की नॉलेज होनी चाहिए जो कि काफ़ी इजी है सीखना। उसको 2 से 3 घंटे में आप एक अच्छी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। और बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो वो इस चैनल पे भी अवेलेबल है, यहाँ से भी आप बेसिक एक्सेल, एमएस वर्ड ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर इंस्टेंट आपको अर्निंग नहीं होती तो आगे चल के काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ब्लॉगिंग आप स्टार्ट करें। फोर्थ जो जॉब है वो है फोटोग्राफी। जी फोटोग्राफी एक को मैं डायनेमिक जॉब बोलूँगा। फोटोग्राफी में ऐसे चांसेज हैं जिसमें फ़ोटो क्लिक करके भी आप पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहां पे आप फ़ोटो, अच्छी फ़ोटो क्लिक करके उसको एडिट करके वहां पे सेल के लिए दे सकते हैं। अगर वो फ़ोटो आपकी सेल होती है तो आपको एक फिक्स प्राइस आपके अकाउंट में मिलती है, एज ए पार्ट टाइम में ये काम कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसको इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में घूमने का, वो अच्छी से अच्छी फ़ोटो निकाल के और वहाँ पर सेल करके वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और मैं बात करूंगा फिफ्थ एंड लास्ट जॉब जो है मार्केटिंग।
मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। मार्केटिंग का नाम सुन के कुछ लोग पहले ही किनारे हो जाते हैं कि मार्केटिंग कौन करेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मार्केटिंग ऐसी फील्ड है जिसमें अनलिमिटेड मनी है। मार्केटिंग का पीछा कोई नहीं कर सकता, कोई भी फील्ड इतने पैसे नहीं दे सकते जितने पैसे मार्केटिंग में है। तो मार्केटिंग एक तो होती है डोर टू डोर मार्केटिंग, प्रोडक्ट बेचना गली में घूम के, दूसरी होती है एफिलिएट मार्केटिंग जो कि ऑनलाइन की जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग ये दोनों चीज़ें अलग हैं। तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बेसिकली रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, जो कि ईजिली आप अपने फ़ोन से अपने लैपटॉप से इसको हैंडल कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है कि कई सारी ऐसे वेबसाइट और प्लेटफॉर्म कंपनीज़ हैं जहाँ से आप अपनी आईडी क्रिएट करके और उनके प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आप उनके एडवर्टाइज़ करेंगे, अगर आपके रेफरेंस से उनका कोई प्रोडक्ट बिकता है तो उसमें वो आपको परसेंटेज देते हैं। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में आपको थोड़ा एडवर्टाइज़ में एफर्ट लग सकता है, लेकिन बाद में काफ़ी अच्छा पैसा आपको जनरेट होना चालू हो जाता है जब आपका एक सर्कल बन जाता है। तो इस तरीके से जैसा कि अमेजोन है और भी कई सारे एप्लीकेशन हैं जिनको ज्वाइन करके वहाँ पे आईडी क्रिएट करके आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा आप जनरेट कर सकते हैं। तो गाइज ये थी 5 टाइप की रिकमेंडेड जॉब जो कि मेरी तरफ से आपको बताई गई। अब आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी बेटर जॉब है, कौन सी आपके लिए ज़्यादा सुटेबल है, उसको चूज करके उसके हिसाब से आप अपने आगे का पार्ट टाइम जॉब का सफ़र स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी बहुत स्किल आपको डेवलप करनी पड़ सकती है, जैसा कि मैंने टाइपिंग का बताया, तो टाइपिंग के लिए आपको MS Word, Excel ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। और वेबसाइट डिजाइनिंग का बताया, ब्लॉगिंग का, तो उसके लिए WordPress सीख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप अपनी स्किल को डेवलप करके और पार्ट टाइम में पैसे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तब भी आपके लिए इसमें से बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी इसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लाइक ट्यूशन, ब्लॉगिंग एंड राइटिंग, टाइपिंग, इस तरीके से। तो मैंने ये काफ़ी सर्वे करके और एनालाइज करके आपको ये 5 टाइप के जॉब बताया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन सा जॉब करना है या कौन सी पसंद आई। तो ये वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड बाय।